प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में तीन टॉपिक हम लोग को स्टडी करने थे। फर्स्ट टॉपिक इलास्टिसिटी, सेकंड टॉपिक सरफेस टेंशन और थर्ड टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स। आज फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टेटिक्स दो कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है। हाइड्रोडायनेमिक्स में बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ना होता है और हाइड्रोस्टेटिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग को स्टडी करना होता है। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का आज फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स के बेटा दो पार्ट हैं। फर्स्ट एंड सेकंड। एक होता है बेटा हाइड्रो हाइड्रोडायनेमिक्स हाइड्रोडायनेमिक्स दैट इज बेटा फ्लो ऑफ लिक्विड, देख रहे हो। इसमें हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड की स्टडी करेंगे, यानी लिक्विड का फ्लो कंडीशन। और एक होता है बेटा हाइड्रोस्टेटिक्स, एक होगा हाइड्रोस्टेटिक्स और एक होता है बेटा हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में कंप्लीट हम लोगों को बर्नौलीज प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ना होगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इसके अलावा जो हाइड्रोस्टेटिक्स है, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे खूब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत आसानी से ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स, दैट इज फ्लो ऑफ लिक्विड। बेटा हाइड्रो हाइड्रोडायनेमिक्स दैट इज, इसमें कंप्लीट हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड का फ्लो होगा इसमें बेटा, जब हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में बेटा आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट, आइडियल लिक्विड का कॉन्सेप्ट होगा। आइडियल लिक्विड का फ्लो यहां दिखाया जाता है, उसे आइडियल लिक्विड बस माना जाता है, आइडियल लिक्विड का एजम्पशन है। फिर इसमें एक टर्म आएगा बेटा विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल जब पढ़ लेंगे तो उस पे क्वेश्चन करेंगे। टर्सौलीज प्रिंसिपल इसमें पढ़ना है ना। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, दैट इज क्या बर्नौलीज प्रिंसिपल के इसमें अप्लीकेशंस हैं, मैग्नस इफेक्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वेंचुरी मीटर का भी कॉन्सेप्ट इसी में आता है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं बल्कि हाइड्रोस्टेटिक्स की बात होगा, जिसमें कोई लिक्विड कॉलम होगा उसका क्या प्रेशर होगा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। कोई बॉडी को अगर सबमर्ज या कंप्लीटली या पार्शियल सबमर्ज कर दिया जाए किसी भी बॉडी को, किसी लिक्विड में या वाटर में, तो कितना कितना उस पर बायंसी फोर्स लगेगा, दैट इज थ्रस्ट फोर्स लगेगा, बायंट फोर्स लगेगा, ये सब इसमें स्टडी करना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड बस एक एजम्पशन है बेटा। आइडियल लिक्विड इज ओनली एजम्पशन। आइडियल लिक्विड ऐसा लिक्विड होता है जिसकी विस्कोसिटी जीरो होता है। विस्कोसिटी का मतलब अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसमें जो दो लेयर लिक्विड के होते हैं उनमें कोई विस्कस फोर्स ना लगे। विस्कोसिटी जिसका जीरो हो और ये लिक्विड कंप्रेसिबल ना हो, इनकंप्रेसिबल हो, इस प्रकार का लिक्विड बेटा आइडियल लिक्विड होता है। आइडियल लिक्विड के बस हम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल में इसकी आवश्यकता पड़ेगा। सच सच टाइप ऑफ लिक्विड। विच अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या है। विस्कोसिटी विल बी जीरो एंड एंड लिक्विड लिक्विड विल बी इन इनकंप्रेसिबल। ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, नॉन विस्कस हो और इनकंप्रेसिबल हो, दैट इज नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल। देख रहे हो, नॉन विस्कस हो और इनकंप्रेसिबल हो, इस प्रकार के लिक्विड को बेटा आइडियल लिक्विड कहा जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग होगा बेटा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होगा तो जाहिर आइडियल लिक्विड तो होगा नहीं। विस्कोसिटी ये किसी भी लिक्विड की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है। विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि फ्लो ऑफ लिक्विड में दो डिफरेंट जो लेयर लिक्विड के होते हैं उनमें रिलेटिव मोशन का ये क्या करता है बेटा, अपोज करता है। विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी विच ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स। जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विस्कस फोर्स कहते हैं। तो विस्कासिटी क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय विच इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू टू लेयर्स ऑफ टू लेयर्स ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स। देख रहे बेटा, जो अपोजिंग फोर्स होता है वह विस्कस फोर्स होता है। विस्कस फोर्स वहीं लगेगा जहां पर बेटा विस्कोसिटी होगा, यानी आइडियल लिक्विड के लिए नहीं होता है। और वही जब हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो वहां आइडियल लिक्विड मान के चलते हैं, वहां पर इस विस्कोसिटी नेग्लिजिबल होता है। विस्कोसिटी को जीरो माना जाता है। कोई भी फ्लूइंग लिक्विड में विस्कस फोर्स वहां पर बेटा नहीं लगता, ठीक है। और विस्कस फोर्स पढ़ने के पहले हम लोग को पढ़ना होगा बेटा वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। देख लो वेलोसिटी
ग्रेडियंट क्या पढ़ना है बेटा? वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग को पढ़ना है। पूरे फिजिक्स में कई प्रकार का ग्रेडियंट है, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग को पढ़ना है। अब क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, आओ डायग्राम से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये कोई लिक्विड फ्लो अगर कर रहा है, इसके डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड फ्लो के, और जो लिक्विड का जो फ्लो होता है, जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं, तो जैसे जैसे तुम फ्लो ऑफ लिक्विड में लेयर, अगर तुम बॉटम की तरफ जाओगे, धीरे धीरे बॉटम की तरफ बेटा जाओगे फ्लो ऑफ लिक्विड में, तो जो लेयर की वेलोसिटी होती है वो कम होती जाती है विस्कस फोर्स लगने के कारण। और जो लेयर ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में होता है, ग्राउंड लेवल होता है, उसकी वेलोसिटी एकदम जीरो होती है। टॉप लेवल की वेलोसिटी जो होती है लेयर की, वो सबसे ज्यादा होती है। तो देखो हमेशा हम यहाँ पे पैटर्न दिखा रहे हैं जिसमें कि जैसे से हम फ्लो ऑफ लिक्विड में नीचे हम लोग जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, उसे से देखो वेलोसिटी का पैटर्न हम कम करते चले जा रहे हैं। यहाँ वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, यहाँ थोड़ा वेलोसिटी कम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ। ये डिफरेंट लेयर है फ्लो ऑफ लिक्विड के बेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये ग्राउंड लेवल है, इट इज ग्राउंड लेवल। ये बेटा ग्राउंड लेवल हो गया। और यह है फ्लो फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड है जिसके डिफरेंट लेयर्स हैं। अब तुम ये देख रहे हो कि ये जो लेयर है, इसमें जो फ्लो हो रहा है, तो अगर तुम इसके फ्लो के परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की तरफ चलो, तो लेयर की वेलोसिटी क्या होती जाती है बेटा? बढ़ती चली जाती है, क्योंकि नीचे तुम जा रहे हो तो लेयर की संख्या बढ़ रही है, जिससे कि अपोजिंग फोर्स लग रहा है आपस में, इसके वजह से ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो जो ग्राउंड लेवल में होता है, इसकी वेलोसिटी देखो बेटा जीरो होती है। अगर हम यहाँ पर इस वाले लेयर की वेलोसिटी अगर वी माने, तो इसके ऊपर वाले की वेलोसिटी बेटा इससे कुछ ज्यादा होगा। तो देखो इसको हम मानते हैं वी प्लस डेल्टा वी, और इसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी इससे कुछ कम होगा, और ये कितना होगा बेटा? v माइनस डेल्टा v। देख रहे हो, अगर इसकी वेलोसिटी v होगा तो इसके ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगा, नीचे वाले की वेलोसिटी कम होगा लेयर की। अब अगर हम ग्राउंड लेवल से इसका, इस वाले का डिस्टेंस अगर हम यहां से z मान लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इसका z मान लें, तो इस वाले लेयर का जो डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है। देखो यानी डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे बेटा z प्लस डेल्टा जेड, इस डिस्टेंस को जेड प्लस डेल्टा जेड कहेंगे, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और जब हम लोग इस डिस्टेंस को ग्राउंड लेवल से बेटा जेड माइनस डेल्टा जेड कहेंगे, तो इस समय इसकी वेलोसिटी डेल्टा वी बेटा कम हो जाएगी। देख रहे हो, इसका डिस्टेंस बेटा यहाँ पे जेड है, इसका डिस्टेंस जेड प्लस डेल्टा जेड है, इसका डिस्टेंस जेड माइनस डेल्टा जेड है, तो इसकी वेलोसिटी वी से वी प्लस डेल्टा वी हो गया, इसकी वेलोसिटी वी से वी माइनस डेल्टा वी हो गया। यानी फ्लो ऑफ लिक्विड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने पर यूनिट डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में बेटा जो चेंजिंग होता है, उसी को क्या कहते हैं बेटा? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो क्या इसका डिफिनेशन हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट का? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लोइंग लिक्विड विद, देख रहे हो, विद पर यूनिट परपेंडिकुलर, पर यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर यूनिट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। फ्लो ऑफ लिक्विड के परपेंडिकुलर चलने पर जो वेलोसिटी में चेंजिंग होता है पर यूनिट डिस्टेंस के साथ। अच्छा, तुम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहो तो वहां भी देखो डिस्टेंस से डिवाइड होता है, प्रेशर ग्रेडियंट में भी डिस्टेंस से डिवाइड होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट में भी डिस्टेंस से डिवाइड होता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट में भी
बेटा डिस्टेंस से डिवाइड होता है। तो इस तरह से बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला मिल गया, देख लो, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद पर यूनिट डिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, ये होता है फॉर्मूला वेलोसिटी ग्रेडियंट का, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। अब अगर इसका हम लोग डायमेंशन देखें तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, जेड इज डिस्टेंस एल, तो देखो ये कट गया और ये आ गया टी माइनस वन, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशन आ गया बेटा टी इनवर्स, यानी इसका जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, देखो पर सेकेंड, इसका यूनिट हो गया पर सेकेंड, यानी इसका टी इनवर्स डायमेंशन होता है, इसको लिख सकते हैं बेटा एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ये इसका डायमेंशन हो गया, पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, तो अब जब वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग पढ़ लिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स वही होगा जहां पे बेटा विस्कोसिटी होगा, ठीक है, आइडियल लिक्विड के लिए नहीं होगा। विस्कस फोर्स इज एफ, आइडियल लिक्विड का बस नाम हम इसलिए लिए क्योंकि जब बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं बेटा तो वहां आइडियल लिक्विड का नाम लेना पड़ता है, बिकॉज बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, इसलिए बर्नौलीज प्रिंसिपल में आइडियल लिक्विड का नाम लेना पड़ता है भाई, जहां पर कोई भी फ्रिक्शन ना हो, कोई विस्कस फोर्स ना हो, तो वो क्या होगा, आइडियल लिक्विड होगा जो बर्नौलीज प्रिंसिपल में यूज होगा। तो विस्कस फोर्स क्या है, अपोजिंग फोर्स है, इट इज अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ कौन सा लिक्विड बेटा, फ्लोइंग लिक्विड। तभी तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ रहे हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, ना कि हाइड्रोस्टेटिक्स। एंड ये जो विस्कस फोर्स होता है बेटा, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर, जो लिक्विड का लेयर होता है उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। देख रहे हो, मतलब लिक्विड का जो लेयर है वो अगर ज्यादा एरिया है तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है तो बेटा विस्कस फोर्स उस समय ज्यादा लगेगा। तो दोनों का अगर मिला दें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, इसलिए जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां बेटा एक कांस्टेंट ईटा लिखेंगे, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इनटू ए इन ब्रैकेट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, इट इज वेलोसिटी विस्कस फोर्स। न्यूटन इसका यूनिट होगा, ये बेटा विस्कस फोर्स कहलाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस टॉपिक का, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, विस्कस फोर्स एफ इज इक्वल टू ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, हियर ईटा इज कॉन्स्टेंट जो इस लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। अब यहां से बेटा एफ इज इक्वल टू आ गया ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, इसलिए यहां से बेटा ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इन ब्रैकेट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कोशेंट ऑफ विस्कासिटी देखो इसको कहेंगे, और ये किस पे डिपेंड है, इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड अगर चेंज हो गया तो कोशेंट ऑफ विस्कासिटी ईटा भी चेंज हो जाएगा। जिस लिक्विड की डेंसिटी जितना ही ज्यादा होगा उसका ईटा उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो ये अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। अब अगर इसका यूनिट देखें, यूनिट या पहले डायमेंशन हम देख लें, कोशेंट ऑफ विस्कासिटी का बेटा डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन लिख दो ML T-2 अपान एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन अभी तुम पढ़े हो बेटा T-inverse। देखो क्या हो गया T-inverse, तो इसलिए से ईटा का डायमेंशन आ गया बेटा M, ये L स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो L-1, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो T-1, देख रहे हो। तो इसका डायमेंशन होता है ML-1 T-1, द डायमेंशन ऑफ ईटा, कोशेंट ऑफ विस्कोसिटी। इसलिए बेटा कोशेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का डायमेंशन ये इंपॉर्टेंट होता है, और इसका डायमेंशन है बेटा ML-1 T-1। इट इज डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज डायमेंशन ऑफ कोशेंट ऑफ विस्कोसिटी, इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। कोशेंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बेटा आपसे पूछ दिया जाता है। इसलिए अगर कोशेंट ऑफ विस्कोसिटी का MKS यूनिट देखा जाए, देख रहे बेटा यहां से MKS यूनिट, MKS यूनिट इसका दिखाई दे रहा है। देखो M यानी किलोग्राम, मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, देख लो दैट इज किलोग्राम, मीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये इसका डायमेंशन है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक। और ये भी जानना चाहिए कि कोशेंट ऑफ विस्कोसिटी का बेटा एक और यूनिट होता है जिसको बोलता है पॉइज, दैट इज 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड को बेटा 10 पॉइज भी कहा जाता है। अगेन पॉइज इज आल्सो यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 पॉइज। इसका यूनिट बेटा पॉइज भी होता है, इसलिए आगे हम लोग को पाउजलीस फॉर्मूला भी हम लोग आगे चल के पढ़ना है। इसलिए बेटा 1 पॉइज, अगर पॉइज में वैल्यू दिया हो क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी का, तो हम लोग कह देंगे 1/10 MKS यूनिट, 1/10 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तो कहीं भी अगर कोशेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का वैल्यू पॉइज में अगर दिया है तो निश्चित है उसको 1/10 और MKS यूनिट में बदल करके और क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। अब आओ इस फॉर्मूले पर, जो विस्कस फोर्स का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उस पर आओ बेटा, थोड़ा एक क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लें इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये एक ग्लास प्लेट है,
ग्लास प्लेट, और ये लिक्विड है, ये लिक्विड है बेटा, और यहीं पर एक प्लेट रखा है, लिक्विड के सरफेस पर एक प्लेट रखा है, ठीक। और ये जो सेपरेशन है, यह है डी या जेड, और ये वैल्यू है बेटा 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर का ये सेपरेशन है, और ये एक ग्लास प्लेट है जो फिक्स है बेटा, ये मूव नहीं करेगा, और ये एक प्लेट है जो मूवेबल है, जो क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है, और यह है बेटा लिक्विड। लिक्विड का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये 1 पॉइज है, 1 पॉइज इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और इसका जो एरिया है बेटा, एरिया यह है 10^-2 m². तो इसमें क्या है कि अगर इस प्लेट को बेटा मोशन कराया जाए, इस लिक्विड के ऊपर प्लेट को मोशन कराया जाए, तो उस प्लेट के सरफेस और लिक्विड के सरफेस के बीच एक बेटा अपोजिंग फोर्स लगेगा, विच इज विस्कस फोर्स। तो अपोजिंग फोर्स लगेगा, तो कह रहा है कि ऊपर वाले प्लेट पर कितना हम फोर्स लगावे, देख रहे हो कितना फोर्स लगावे, कि वह जो प्लेट है वह कांस्टेंट वेलोसिटी 10 m/s से बेटा आगे बढ़े। निकाल रहा है फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड ऑन द प्लेट सो दैट प्लेट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 m/s। कांस्टेंट वेलोसिटी बेटा 10 m/s से क्या करे, ये मोशन करे। होगा क्या कि एक विस्कस फोर्स लगेगा, जब इसको फोर्स लगाया जाएगा तो ये जो लिक्विड का सरफेस होगा, विस्कोसिटी के कारण इस प्लेट को पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, दैट इज विस्कस फोर्स। तो अगर उतना ही फोर्स हम लगा दें तो ऐसे कंडीशन में सारे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, और जो प्लेट की वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और जो वेलोसिटी हम रख दें तो उतने वेलोसिटी से वो मोशन करने लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में यही जो हम लोग फोर्स पढ़े हैं फॉर्मूला, उसी को हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू कोशेंट ऑफ विस्कोसिटी A इंटू प्लेट एरिया A इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। देखो यहां पर हम लोग ईटा का वैल्यू जो दिया है 1 पॉइज, तो 1 पॉइज का वैल्यू हो जाएगा बेटा 1/10 ऑफ MKS यूनिट। 1 पॉइज को हम 1/10 कहेंगे MKS यूनिट में। प्लेट एरिया 10^-2 दिया है, यहां पर देख लो 10^-2 प्लेट एरिया दिया है। अब बात बनता है कि डेल्टा वी कितना रखें, तो डेल्टा वी का मतलब क्या है कि भाई ये तो इसकी तो वेलोसिटी 0 है ना, और इसकी वेलोसिटी क्या है, वी बराबर 10 m/s। तो डेल्टा वी कितना हुआ, देखो 10 - 0 हुआ कि नहीं हुआ, और डेल्टा जेड कितना हो गया, ये हो गया बेटा 0, और ये हो गया डी 2 mm डेल्टा जेड हो गया। तो यहां पर हम लिख देंगे 10 - 0/2 × mm है, 10^-3 - 0 है ना, तो यहां से 1/10 × 10^-2 × 10/2 × 10^-3, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये न्यूमरेटर में जाकर के बेटा 10 हो गया अपॉन 2 हो गया, इज इक्वल टू 5 न्यूटन का फोर्स। देख रहे बेटा, 5 न्यूटन का अगर फोर्स लगाया जाए उस प्लेट पर,
5 न्यूटन का जितना विस्कस फोर्स लगेगा लिक्विड के कारण उस प्लेट पर अपोजिंग फोर्स, वह कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जो प्लेट होगा अपर प्लेट वह क्या करेगा बेटा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला अगर ये फॉर्मूला याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप बेटा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट कांसेप्ट हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड बेटा वो डिपेंड करता है कि क्या लिक्विड का प्रेशर है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, और कम वेलोसिटी है तो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, और वो वेलोसिटी होता है बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, और इसके अलावा अगर उससे कम वेलोसिटी है तो वह क्या होगा बेटा स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। तो ये वेलोसिटी बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, और एक होता है बेटा टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। एक स्ट्रीम लाइन फ्लो में चलता है कॉन्टिन्यूटी थ्योरम, A1V1 = A2V2। इस प्रकार का फ्लो किसी ट्यूब में या किसी पाइप में या कहीं भी लिक्विड का फ्लो हो रहा है, इस तरह से फ्लो हो रहा है कि उसके जो लेयर हों आपस में मिक्स ना हो रहे हैं, डिफरेंट लेयर आपस में मिक्स ना हो, वो अपने फिक्स डायरेक्शन को बनाए रखें, तो इस प्रकार का फ्लो होता है बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में कॉन्टिन्यूटी थ्योरम चलता है, A1V1 = क्या होता है बेटा A2V2। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो जैसे ये कोई ट्यूब है, कोई पाइप है, ठीक, ये कोई पाइप है या ट्यूब है, कुल मिलाकर लिक्विड का फ्लो इसमें दिखाना है, और लिक्विड का फ्लो अगर इस तरह से हो इसके जो डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड फ्लो के आपस में मिक्स ना हो, ठीक है, ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार का फ्लो बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। देखो ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो यहां के वेलोसिटी बेटा अगर v1 होगा, यहां के वेलोसिटी v2 होगा, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया a1 होगा, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 होगा। तो यहां देखो एरिया ज्यादा है तो यहां क्या होगा बेटा वेलोसिटी कम होगा, यहां एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। यह है फर्स्ट इंड इसका, और यह इसका क्या है बेटा सेकेंड इंड, तो फर्स्ट इंड पर वेलोसिटी कम, सेकेंड इंड पर वेलोसिटी ज्यादा। तुम कोई देखते हो पाइप हाथ में लिए रहते हो, और पाइप को अगर आगे जहां से वाटर निकलता है उसको थोड़ा सा अगर पुश कर दो, दबा दो, तो वाटर तेजी से बाहर निकलने लगता है, तो इससे क्या होता है कि वहां के एरिया कम हो जाता है जिससे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। और यहां पे चलता है बेटा स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज कंटिन्यूटी थ्योरम A1V1 = A2V2। ठीक है, सच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, सच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड डज नॉट डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड डज नॉट मिक्स्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से बेटा ये मिक्स ना हो, एक दूसरे से मिक्स ना हो, अपने पाथ को कंटिन्यूअस रखें, देन दैट फ्लो
ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड इट फॉलो कॉन्टिन्यूटी थ्योरम। बेटा ये कॉन्टिन्यूटी थ्योरम को फॉलो करता है, मतलब ए वन वी वन इज इक्वल टू बेटा ए टू वी टू, यह है कॉन्टिन्यूटी थ्योरम। ए वन वी वन इजकल टू ए टू वी टू, मतलब जब वेलोसिटी होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया उस ट्यूब के क्रॉस सेक्शन एरिया के पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी थ्योरम, जो आगे बहुत ही ज्यादा कॉन्टिन्यूटी थ्योरम का यूज है। ए वन वी वन इजकल टू ए टू वी टू का जबरदस्त यूज है बेटा। तो यहां से आप देख सकते हो कि ए वन वी वन इज इक्वल टू होता है बेटा ए टू वी टू, और यही होता है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डीवी अपॉन डी टी इजकल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, और ये क्या बना रहता है बेटा कांस्टेंट। स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हर पॉइंट पर क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट पर। अब सेकेंड आएगा टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड का टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंट जो लिक्विड के लेयर होते हैं आपस में बेटा मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिक्स होकर चलते हैं। और ऐसा तब होता है जब वेलोसिटी फ्लोइंग लिक्विड की वेलोसिटी एक क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर होता है और यह कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। जैसे नदियों में देखो जब बरसात के सीजन में जब बाढ़ आता है तो उनके वाटर, अगर तुम फ्लो ऑफ वाटर देखो तो वो आपस में ऐसे मिक्स होते हुए चलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो होता है। और नॉर्मल कंडीशन में वाटर का जो फ्लो होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो देखने को बेटा मिलता है। तो देख लो ये फ्लोइंग लिक्विड है, यहां पे वेलोसिटी बेटा वी वन है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा a2 है। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड चलेगा ये इस तरह से आपस में मिक्स होते हुए बेटा चलेगा, डिफरेंट लेयर एक फिक्स डायरेक्शन में बेटा नहीं चलेंगे। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है यही टर्बुलेंट फ्लो बेटा कहलाता है। देखने से लग रहा है कि ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। हियर ए वन वी वन इज नॉट इक्वल टू ए टू वी टू, यानी ये कंटिन्यूटी फॉलो को कंटिन्यूटी थ्योरम को फॉलो नहीं करता। बट यहां पर ए वन वी वन ज्यादा होता है किससे, ए टू वी टू से। इनलेट ज्यादा होगा आउटलेट क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। इसलिए जो ट्यूब होता है या पाइप होता है उसके फटने की ब्रस्ट होने की संभावना क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। ए वन वी वन इज नॉट इक्वल टू ए टू वी टू, इट डज नॉट फॉलो कॉन्टिन्यूटी थ्योरम। बेटा ये कॉन्टिन्यूटी थ्योरम को फॉलो नहीं करता, क्लियर। टर्बुलेंट फ्लो तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, हम लोग को यूज क्या करना है स्ट्रीम लाइन फ्लो, क्योंकि आगे जब हम लोग बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पढ़ेंगे आइडियल लिक्विड के लिए तो वहां पर हम लोग देखना स्ट्रीम लाइन फ्लो यूज करेंगे, कंटिन्यूटी थ्योरम यूज करेंगे। तो ये क्या था बेटा, स्ट्रीम लाइन फ्लो था, और यहाँ पर क्या है टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें डिफरेंट जो फ्लोइंग लिक्विड होते हैं उनके जो लेयर होते हैं आपस में मिक्स होते हुए बेटा चलते हैं।
अगेन इफ वेलोसिटी ऑफ velocity of flowing liquid is more than a certain minimum velocity then its flow becomes turbulent. एक जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी है, उससे अगर ज्यादा वेलोसिटी हो जाए, ठीक है, एक मिनिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे क्या होगा, वो स्ट्रीम लाइन होगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, टर्बुलेंट हो जाएगा. एंड दैट certain velocity is critical velocity. इसे क्या कहते हैं बेटा, critical velocity हम लोग कहते हैं, ठीक. And क्रिटिकल वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इज इक्वल टू एन आर, एन आर इज रेनॉल्ड नंबर इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इनटू एल. देख रहे बेटा, यहां बेटा L नहीं, R होता है ट्यूब का रेडियस, एन आर ईटा अपॉन रो इंटू आर, कहीं कहीं L भी मिलेगा. अच्छा, ईटा क्या है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड, आर है रेडियस ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब में वो फ्लो हो रहा है लिक्विड का, और रो है बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी. और एन आर क्या है बेटा, एन आर यहां पे इंपॉर्टेंट है, एन आर इज रेनॉल्ड्स नंबर, इसको बेटा रेनॉल्ड नंबर कहते हैं. It is unitless and dimensionless quantity. Unitless or dimensionless quantity है m0, l0, t0. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानो, इफ रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 1000 टू 2000, अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 1000 से 2000 के बीच है तो ये बेटा स्ट्रीम लाइन फ्लो को इंडिकेट करता है, इट बिकम्स स्ट्रीम लाइन फ्लो. लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू मोर देन 2000 हो गया, देन इट बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो. तो रेनॉल्ड नंबर इंडिकेट करता है कि जो लिक्विड का जो फ्लो होता है उसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा कि टर्बुलेंट फ्लो होगा. तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, रेनॉल्ड नंबर का यूनिट बताओ, रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशन बताओ, ठीक है. रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए 1000 से 2000 के बीच होता है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए बेटा मोर देन 2000 होता है, उसमें इसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी, और ऐसे कंडीशन में उसका जो फ्लो होगा टर्बुलेंट फ्लो होगा. बाकी टर्बुलेंट फ्लो को आगे हमको लेके नहीं चलना है, हम लोग को ऑलरेडी
स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि आगे बर्नौलीस प्रिंसिपल पढ़ते समय स्ट्रीमलाइन फ्लो हम लोग यूज करेंगे। ठीक बेटा, तो आज तक आज इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट यहां तक रहने दे रहे हैं। इसके बाद से अगले लेक्चर में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे, कैपिलरी ट्यूब का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बर्नौलीस प्रिंसिपल, उसके एप्लीकेशंस, फिर उधर आ जाएगा बेटा हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स में बेटा वेरी इंपॉर्टेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा तो है ही है, क्योंकि हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स दोनों आ जाता है, पास्कल्स लॉ भी इसमें आएगा, ये कंप्लीट स्टडी हम लोग को इसमें करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग मिलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड को, अभी फ्लो ऑफ लिक्विड ही चलेगा, हाइड्रोडायनेमिक्स ही अभी चलेगा, तब उधर हाइड्रोस्टैटिक्स। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।